पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। भारत से पाकिस्तान जाने वाली अंजू लगातार सुर्खियों में है। जुलाई में पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद यानी कि नवंबर में वापस भारत लौटी है। वही अब अंजू सोनीपत में वकील के जरिए अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्ला को भारत बुलाने की कार्रवाई कर रही है। खैर, आपको हमारी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। भारत आई अंजू लगातार मीडिया के सामने बड़े बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अंजू से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में उन्हें बुरका पहनना पड़ता था। इस पर अंजू ने कहा कि वहां मैंने बुरका नहीं पहना, मेरे पहनावे को लेकर वहां कभी भी रोक टोक नहीं हुई है। इस दौरान मैंने बस काला दुपट्टा ओढ़ा था और वहां भी कोई बुरका नहीं पहना। खैर, आपको बता दें कि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अंजू नसरुल्ला के बगल में बुरके में बैठी हुई नजर आ रही थी। नसरुल्ला के अलावा उसके कई दोस्त भी थे। साथ ही दोनों का एक प्री वेडिंग वीडियो शूट भी वायरल हुआ था। इस पर अंजू का कहना है कि वो प्री वेडिंग शूट नहीं था, केवल कुछ तस्वीरें थी और नसरुल्ला के दोस्तों के साथ कुछ फोटो ली थी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अपर दीर जिले में नसरुल्ला और अंजू ने निकाह किया था, जहां नसरुल्ला के परिवार के सदस्य, पुलिसकर्मी और वकील मौजूद थे, जहां अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद अंजू ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। इसके बाद वो अपने प्यार के खातिर पाकिस्तान भी पहुंच गई थी। 1 महीने के लिए गई अंजू ने वहां जाकर वीजा का जो अवधि होती है उसको भी बढ़वा लिया और 4 महीने से ज़्यादा समय तक वहाँ रुकी रही। इसके बाद अंजू ने भारत में रह रहे अपने 2 बच्चों की याद आने की बात कहते हुए वापस लौटने की बात कही और भारत लौट आई। बता दें कि अंजू ने भारत लौटने के बाद पाकिस्तान वापस जाने पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि वह ये इशारा करती रही है कि उनका नसरुल्ला के साथ रहने का प्लान है। अंजू ने नसरुल्ला के साथ दुबई में बसने की इच्छा का भी इजहार किया है। वहीं आपको बता दें कि नसरुल्ला ने बताया था कि उसकी भारत आने की योजना है, यानी अंजू से मिलने की। नसरुल्ला ने कहा कि वह जल्द ही वीजा के लिए आवेदन करने वाला है। नसरुल्ला का कहना था कि वह अंजू के साथ रहना चाहता है। खैर, नसरुल्ला ने कहा कि उसके और अंजू के बीच बातचीत हो रही है और जल्दी ही दोनों मिलेंगे। आप किस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।